डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन की बैठक प्रांतीय अध्यक्ष संदीप वडोला की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभागार में सकुशल संपन्न हुई, जिसके संबंध में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के जिला मंत्री डीके सिंह ने बताया कि डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के वार्षिक अधिवेशन है, जिसमें फार्मासिस्ट की समस्याओं पर चर्चा की गई है। किस तरह से आगे कार्य करना है और आगे किस तरह की उनकी समस्याओं को आगे उठाना है, इस पर चर्चा की गई है। ये सदन के भाइयों की गरिमा है और 75 जनपद के भाइयों की गरिमा यह है कि प्राथमिक कार्यकारिणी का चुनाव करते हैं। मित्रों, मैंने 2018 से जब हम लोगों के डीपीए के अध्यक्ष भारती जेल से आवेदन करते थे, उनका भी जमाना देखा है, लेकिन तब से मैं इनका मुरीद हुआ। अगर मैंने सोचा डीपीए उत्तर प्रदेश की कमान अगर किसी को संभालनी है तो निश्चित ही संदीप पटोला भाई के हाथों में जब सौंप दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के जिला मंत्री डीके सिंह ने कहा, ये हमारा डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जनपद शाखा गोरखपुर का द्विवार्षिक अधिवेशन है और अभी अधिवेशन का पार्ट चल रहा है, इसके बाद से यहाँ के पदाधिकारियों का चुनाव भी किया जाएगा। यहाँ अधिवेशन में हम लोग मोस्टली हमारे प्रांतीय अध्यक्ष आए हुए हैं संदीप बडोला जी और हमारे प्रांतीय महामंत्री उमेश मिश्रा जी आए हुए हैं और इनकी देख रेख में हम लोग आज अधिवेशन कर रहे हैं और अभी पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे। बैठक का मुख्य जो अधिवेशन का होता है, हम अपनी समस्याओं को यहाँ अपने पदाधिकारियों के समक्ष रखते हैं। हमारी जो समस्याएं प्रदेश स्तर पर क्या हल हो रही हैं वो हमारे पदाधिकारी हमको बताते हैं, ये अधिवेशन का पार्ट होता है। और अगले 2 साल के लिए हम फिर अपने यहाँ के अध्यक्ष मंत्री और अन्य सभी 8 पदाधिकारियों का चयन करते हैं। मैं डीके सिंह हूँ, वर्तमान में डीपीए गोरखपुर का जिला मंत्री।